इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, और सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से इनको डिक्लेयर किया जाता है और क्या इनका यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्स्टेंट। वह वैल्यू जिसको प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता वह कॉन्स्टेंट कहलाता है। वेरिएबल मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन को दिया गया नाम वेरिएबल नेम कहलाता है। इसकी वैल्यू को प्रोग्राम के दौरान हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करने के लिए किसी साइज की मेमोरी की आवश्यकता होती है। जैसे वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो उसको 2 बाइट की आवश्यकता होगी, और अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है तो उसको 4 बाइट की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी वेरिएबल कितनी मेमोरी रखेगा इसको डिसाइड करने के लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल का डाटा टाइप देखकर कंपाइलर को पता चलता है कि वेरिएबल कितनी मेमोरी लेगा। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सी लैंग्वेज में कुछ प्रीडिफाइंड बेसिक डेटा टाइप दिए गए हैं। जैसे कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है इंट। इसकी साइज जो होती है वो 2 बाइट्स होती है। और फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यूज जो कि पॉइंट की फॉर्म में होती है, इनके बाद में पॉइंट्स आता है, जैसे 2.5, 2.6। तो इस तरह की वैल्यूज जो है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू कहलाती है, और इनकी साइज होती है 4 बाइट्स। कैरेक्टर्स के अंदर जो है हमारे कीबोर्ड्स पे दिए गए जो लेटर्स हैं वो आते हैं, जैसे ए बी सी डी 1 2 3, ये सब कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। और कैरेक्टर साइज का जो डेटा टाइप है इसकी साइज जो है 1 बाइट होती है। इस तरह से और भी डेटा टाइप होते हैं, जैसे डबल है उसकी साइज 8 बाइट होती है, लॉन्ग होता है उसकी साइज जो है लॉन्ग इंट होता है, शॉर्ट इंट होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा जो है यही यूज में आते हैं हमारे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइट की, बाइट होती क्या है। बाइट जो है मेमोरी को नापने का एक यूनिट है हमारे पास, और एक बाइट जो होती है वो 8 बिट के इक्वल होती है। और बिट्स जो है, बिट्स का मतलब होता है 0 या 1। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है, मतलब आप 8 बिट्स को एट ए टाइम 1 बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 8 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर एट ए टाइम 0 या 1 आ सकता है। तो इस तरह से अगर हम वैल्यूज निकालें तो एट ए टाइम जीरो डालने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0, जो कि इस बाइनरी वैल्यू का डेसिमल इक्वलेंट है। इस तरह से अगर इस ब्लॉक के अंदर सभी में हम 1-1 डालते हैं तो इसकी मैक्सिमम रेंज हमें पता चलती है, जो कि है 255। तो अनसाइंड अगर हम बाइट ले रहे हैं तो उसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेके 255 तक। इस तरह से 1 बाइट को अगर एज ए साइन बाइट हम लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो बिट होगी हमारी, ये जो फर्स्ट बिट है ये एज ए साइन बिट यूज में आएगी, और अगर इस बिट के अंदर 0 आ रहा है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर 1 आ रहा है तो इसे नेगेटिव माना जाएगा। जैसे यहाँ पे 0000000 है तो यहाँ इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट आया है वो 0 है, यहाँ पे 0 है, बाकी 111 है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आया +127। इस तरह से यहाँ पे 1 है स्टार्टिंग में और बाकी बाद में 0 है, तो 1 होने की वजह से ये नेगेटिव वैल्यू चली गई है और इसका जो आंसर आया है वो आया है -128। अगर आपको बाइनरी कन्वर्जन या बाइनरी नंबर्स के बारे में पता नहीं है तो इसका एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2 बाइट्स की। जिस तरह से 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं उसी तरह से 2 बाइट के अंदर 16 बिट होते हैं। इसमें भी वही 0-1 का कॉम्बिनेशन बनता है। इस तरह से हम जो है 2 की पावर 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास
65536 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और 2 बाइट अगर एज ए साइंड वैल्यू हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके 65535 होगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर हम 0 से लेकर 65535 तक की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम 2 बाइट को एज ए साइंड वैल्यू लेते हैं तो हम इसके अंदर -32768 से लेके +32767 तक की वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो साइंड होता है, मतलब उसकी रेंज जो होती है वो होती है -32768 से लेकर +32767 तक। अगर हम अनसाइंड इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं देन इसकी रेंज जो है वो चेंज होकर 0 से 65535 हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है ताकि हम उस वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकें। यहाँ पे जो हमने सिंटैक्स दे रखा है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है डेटा टाइप। जिस भी टाइप का या जिस भी साइज का वेरिएबल हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसकी साइज पर डिपेंड करेगी कि वो किस टाइप का है। अगर यहाँ पे हम इंट लिखते हैं डेटा टाइप में तो जो ए है उसको 2 बाइट मिलेगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट तो जो वेरिएबल होगा बी उसको 4 बाइट यहाँ पे मिलेगी। तो डेटा टाइप से पता चल रहा है कि किसी वेरिएबल को कितनी साइज की मेमोरी एलोकेट करवानी है। किसी भी वेरिएबल को नाम दिए जाने से पहले हमें निम्न शर्तों का पालन करना पड़ता है। पहली शर्त यह कि कोई भी वेरिएबल का नाम केवल अल्फाबेट से, डिजिट से, अंडरस्कोर से मिलकर बना होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई स्पेस या कोई दूसरी सिंबल्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड नियम है कि किसी भी वेरिएबल का नाम जो है उसकी लेंथ कंपाइलर पर डिपेंड करती है। नाम का पहला अक्षर जो है या तो अल्फाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसा कि इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है इंट इज इंट ए, इंट बी, इंट सी, इसको हम कंबाइंड रूप से इंट ए बी सी भी लिख सकते हैं। इंट ए 1 2 3, इंट 1 2 बी। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो अल्फाबेट से हुई है और ये कॉम्बिनेशन से डिजिट और अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन ने मिलकर बनाया है तो ये एकदम राइट है। यहाँ पे भी अल्फाबेट से हुई है तो ये भी राइट है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो डिजिट से हुई है इसलिए ये वाला आंसर जो है वो, ये वाला जो वेरिएबल नेम है वो गलत है। इस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग जो है ये वो अंडरस्कोर से हुई है जो कि नियम के अकॉर्डिंग है इसलिए ये वेरिएबल नेम भी सही है। और अगर मैं लिखता हूँ इंट रोल नंबर तो यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस दे दिया है तो इसलिए ये गलत है क्योंकि हम वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ अंडरस्कोर, ये एकदम सही माना जाएगा। हम चाहें तो वेरिएबल डिक्लेयर कराते समय ही उसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज करा सकते हैं इस तरह से, जैसे ए इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर ए को 2 बाइट्स अलोकेट होंगी और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 10। इसका एड्रेस हम सपोज कर सकते हैं 101 और 102। इसको 2 बाइट्स मिली है मेमोरी के अंदर इसलिए इसका एड्रेस है 101 से लेके ये पूरा, इसको 2 बाइट्स यहाँ पे अलोकेट की गई है। इस तरह से अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट टाइप का तो
मेमोरी के अंदर जो उसको मेमोरी साइज जो मिलेगी वो होगी 4 बाइट, ये तो होगा 104, ये 105, 106, तो ये टोटल पूरी की पूरी है 4 बाइट उसको अवेलेबल हो जाएगी। और उस पूरी साइज के, इस मेमोरी साइज के अंदर क्या आएगा हमारा 10.5 इसके अंदर स्टोर होगा जाके। और इस मेमोरी लोकेशन का नाम, मतलब वेरिएबल का नाम है बी। हमारे अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा तो साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।